तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा पर। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके लिए आई हुई है और वो है BSF हेड कांस्टेबल। जी हाँ, BSF हेड कांस्टेबल की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है और ये जो पोस्ट है ये है रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक यानी RONRM की पोस्ट आई हुई है। काफी अच्छी पोस्ट है, आप बारी बारी से इसकी डिटेल्स को सबसे पहले जानिए। अगर आपने मैट्रिक और सिंपली ITI किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए, बारी बारी से हम इसके सारे चीज को देखेंगे। बहुत दिनों बाद ऐसी वैकेंसी आती है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप ITI किए हुए हैं और मैट्रिक किए हुए हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पोस्ट कौन सा है। तो रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक दो पोस्ट आया हुआ है और यहाँ पे देखा जाए ये स्टार्ट होगा 20/8/2022 को। 20/8/2022 से फॉर्म स्टार्ट है। लास्ट डेट इसका है 19/9/2022, ठीक है। 19/9/2022 तक आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। 20 से स्टार्ट है यानी कल के डेट से। आज जब ये मैं 19 को वीडियो बना रहा हूँ तो 20 से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। एग्जाम डेट जो है वो टेंटेटिव है, दिसंबर या जनवरी 2022 में इसका एग्जाम होना है, तो आपके पास पर्याप्त समय यहाँ से बचते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। एप्लीकेशन फी जनरल OBC EWS के लिए ₹200 लगाए गए हैं और SC ST फिजिकल हैंडीकैप और ST के लिए ₹0 है, यानी इसके लिए कोई फी देय नहीं होगा। अब देखिए, एज क्या होगी इसमें से। एज जो है मिनिमम 18 ईयर्स यानी कि 18 साल आपको चाहिए, 18 साल आपको चाहिए और मैक्सिमम चाहिए 25 ईयर। अगर आप मिनिमम 18 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम अगर आप 25 ईयर के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात रही छोटी छोटी बात। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप इसके लिए कब एलिजिबल हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट वाइज है। हेड कांस्टेबल अगर आप रेडियो ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं जिसकी क्वालिफिकेशन अलग है, और अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक यानी RM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए जो है आपकी पोस्ट की एलिजिबिलिटी अलग है। हम देखते हैं सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर की एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आपने 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से किया है, और लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। कम से कम 60% से नीचे वाले इसके लिए योग्य बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, इसके साथ साथ आपने क्या किया हो, तो क्लास 10 और ITI अगर आपने सिंपली किया है। अब आप पूछिएगा कि सर ITI जो है वो किस ब्रांच में, किस ट्रेड में होना चाहिए। तो रेडियो एंड TV से अगर आपने ITI किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, या तो फिर COPA कोपा से किया है, या तो फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर किया हुआ है आपने, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आपने किया हुआ है, इसके लिए आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान में देना है कि इसके लिए कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी रखी गई है। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, तो हाइट जो है मेल के लिए होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है, 168 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए, जबकि चेस्ट होना चाहिए 80 से 85, ठीक है, मिनिमम 80 और फुलाकर 85 होनी चाहिए। और इसके बाद जो हाइट फीमेल के लिए होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर वही बात कर लेते हैं RM यानी रेडियो मैकेनिक की। तो रेडियो मैकेनिक के लिए जो आपका कोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इसमें 60% जो है आपका कम से कम एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रेडियो एंड TV से अगर आपने ITI किया हुआ है, या इलेक्ट्रिशियन से आपने ITI किया हुआ है, या तो फिर हीटर या कंप्यूटर हार्डवेयर से आपने ITI किया हुआ है, या डाटा एंट्री ऑपरेटर से आपने ITI किया हुआ है, तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो रेडियो मैकेनिक के लिए जो हाइट होगी वो हाइट होगी 168 सेंटीमीटर और चेस्ट होगी 80 से 85 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए अगर हाइट की बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर हो जाएगी रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए। अब इसके बाद हम लोग सिंपली एक चीज और जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो है इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न इसका दो फेज में होगा। दो फेज में, फर्स्ट फेज जो होने वाला है आपका, उसमें 25-25 मार्क्स के 4 सेक्शन से पोस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सेक्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश प्लस GK, ठीक है। तो 5 सेक्शन हो जाते हैं यहाँ पर। 50 मार्क्स के फिजिक्स पूछे जाएंगे,
केमिस्ट्री 50 मार्क्स के, मैथ भी 50 मार्क्स के, और इसके बाद इंग्लिश और जीके भी 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका जो मार्क्स हो जाएगा 200 मार्क्स का एग्जाम होना है। इसके लिए समय आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें एग्जाम में ध्यान रखने योग्य हैं। वो क्या है, 0.5 मार्क्स का निगेटिव आपको रहेगा, बिल्कुल आपको जो है बच के एग्जाम इसका देना होगा, यानी तैयारी भी अच्छी करनी होगी। दूसरी बात, OMR सीट बेस्ड एग्जाम होगी, यानी आपका एग्जाम OMR सीट पर लिया जाएगा। जब आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट फेज में आप पास कर जाएंगे, तो आपका सेकेंड फेज होना है। सेकेंड फेज में आपसे रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, और रिटेन एग्जाम के बाद PST आपका होना है, और उसके बाद PET यानी फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा, और इसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी एक बार आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट लिया जाना है, और इसके बाद आपको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये थी कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ सिलेबस पे भी मोटा मोटी जो है हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, अब देखिए इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आप 20 तारीख से जो है इसका फॉर्म अप्लाई होगा, सबसे पहले तो फॉर्म भरिए। ठीक है, अभी जो इस सिलेबस की हमने चर्चा की है, ये एक शॉर्ट सिलेबस है आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए। बाकी इसकी डिटेल सिलेबस आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, आप कैसे इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इन सभी बातों पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर कीजिए। आपको अगर लोन रिलेटेड कोई परेशानी है, आप अगर लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, आपको पैसे की कमी है, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है mylonok.com, यहाँ पे आप www लगा दीजिएगा mylonok.com। इस वेबसाइट पे विजिट करके आप लोन रिलेटेड सारी परेशानी को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैकेंसी आपके जीवन को समृद्ध करेगी, आप इसके लिए अपनी जी जान जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की जॉब नोटिफिकेशन को लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।